गाय चराने वाला, खेती करने वाला। तो लोचन पंडित के यहाँ गया, पंडित जी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। क्या पंडित जी, ये क्या कर रहे हो आप? तनिया तू रहने दे, पंजाबी में कहा तू रहने दे, पंजाबी समझे आप? कहते पंडित तू हमारे पास आता, तेरे को सीधा देते हैं, पैसे देते हैं, कभी दूध भी देते हैं, तो ये बता नहीं रहा है क्या कर रहे? मतलब बिगड़िया होया जट डाडा, जट अगर बिगड़ता है तो डांग खड़का देता है, डंडा चला देता है। तो पंडित डर गया, ये जट है? हाँ धन्य, मैं ये ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूँ, धना देता रहा बड़े भाव से, अनपढ़ गवार। कहते यार पंडित हमें भी एक ठाकुर दे दे। बोलो छोड़, तू क्या ठाकुर की पूजा करेगा, और ये गाँव चलाने वाला क्या? कहते हैं देख बिगड़िया होया जट डाडा, जट अगर बिगड़ जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, उसने पंचशेरी का बट्टा उठा के दे दिया, पांच शेर शेर होते थे ना पहले। कहते पंडित बड़ा अच्छा किया, अगर मुझे छोटा देता तो पालना पड़ता मेरे को, बड़ा पाला पलाया दे के तुमने मेरे को। अब बता तू करना क्या है? पहले पहले तू नहाना, फिर इनको स्नान कराना, फिर इनको अगरबत्ती से इनकी आरती करना, फिर भोजन बनाना, पहले इनको खिलाना, फिर खुद खाना। सिंपल बात बता दी। धन्ना जाट बड़ा खुश, पंचशेरी का बट्टा लेके आ गया। देखो विश्वास की बात है, विश्वासा फलदायक का, ये सत्य घटना गोपाल जी आपने सुनिए नहीं धन्ना जाट की। धन्ना जाट आया और उसने पहले खुद स्नान किया, कंबल बिछाया, फिर ठाकुर जी को नहलाया। धूप तो था नहीं, पछिए होती हैं, पछिए पंजाब में, उसी का धूप बना दिया उसने। ठाकुर जी को धूप की आरती की, मक्की की रोटी बनाई, सरसों का साग और ऊपर मक्खनी मक्खन रख दिया। ठाकुर जी का ठाकुर आओ भोग लगाओ। अब ठाकुर जी कहाँ से आए, कहाँ से भोग लगाए? धन्ना जाट सोचा देखो ठाकुर, तुमको पंडित तो कभी वो तुम्हें माल पूरे खिला रहा, कभी खीर खिला रहा, मेरे पास तो यहाँ कोई इंतजाम है नहीं, यहाँ के पास हलवाई की दुकान भी नहीं है, तो जी आज मक्की की रोटी और साग ही खाना पड़ेगा, मैंने मक्खन भी ऊपर रखा हुआ है। चंद्र भगवान की। तो अभी ठाकुर जी कहाँ से आए? बड़े अनुने विने धन्ना जाट कर रहा है भगवान से, आखिर भगवान नहीं आ रहे। भगवान धन्ना जाट, अच्छा तुम्हें मक्की की रोटी अच्छी नहीं लगती? मेरे पास कोई हलवा पूरी खीर कुछ नहीं, यही खाना पड़ेगा तुम्हें, जल्दी कर, आज सारा काम लेट हो गया मेरा, हल चलानी है, गाय खोलनी है, बहुत काम है। भगवान नहीं आ रहे। धन्य ने कटार होती है काटने वाली, वो निकाली, आता नहीं, मैं गला काटने लगा, गला काटने लगा तो भगवान प्रकट हो, चल जल्दी कर। भगवान मक्की की रोटी खाने लगे, बड़ा स्वाद भाव है उसमें, खाने लगे जब तो कहता है सारा नहीं खाना, मुझे ही खाना है थोड़ा, भूख मेरे को भी लगी है। भगवान ने छोड़ दिया उसके लिए। तब देखा काकरा, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ हमारे गोपाल जी को हिंदी नहीं आती, ठाकरा आज तूने बड़ी देर लगाई, जल्दी कर और मेरे साथ काम करना आज। अच्छा धन्य करते, चल तू ऐसा कर, तू हल चला, मैं डंगर बोलता हूँ। वो हल चला, हल में लगा दिया, भगवान को हल चला रहे हैं, बस रोज की बात है, रोज भगवान काम कर रहे हैं उसका। ठाकुर जी हमारे जब कहते हैं भगवान। एक दिन धन्ना जाट गया त्रिलोचन के पास, पंडित यार तूने बहुत बढ़िया ठाकुर दिया मेरे को। कहते क्या? बड़ा खुश। कहिए वो तो काम भी करता मेरे। कहते धनिया रहन भी दे, तू छोड़ भी दे। कहते नहीं मैं सच बोल रहा हूं। पंडित सोचने लगा मैं झूठ तो मारता नहीं, सच ही है, चल तू मेरे को ठाकुर के दर्शन करा। त्रिलोचन जी आ गए, आगे भगवान खेत में हल चला रहे थे, ठाकुर जी पंडित को नहीं दिखाई दे रहे, भाव नहीं आएगा। धन्य कहा है? कहते देखो हल चला रहे हैं, नहीं दिखाई दे। अब धन्ना कहता है ठाकरा तू देखने में सुंदर तो बड़ा है, तू अगर अपनी शक्ल इसको दिखा देगा तो घिस जाएगा। जब तो वाली बात कर रहा है, तो अपनी शक्ल इनको दिखा देगा तो घिस जाएगा। आखिर धन्य के आग्रह करने पर भगवान को दर्शन देने पड़े पंडित को। धन्ना जाट उसकी वाणी है आरती नहीं, आरता गोपाल के ग्रंथ साहब में लिखी है आरता। धन्य ने गोपाल जी की आरती वो ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में डाली गई है। देखो अनपढ़ गवार भगवान से काम करवा रहा है,
कहा ना कि पहले मैंने कहा पोथी पढ़ पढ़ चुको आपन में जो है ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपने होए। आज आप विद्वान तो बन जाते हैं लेकिन भक्त नहीं बनते। संदेश ये है गुरु गौर निताय और राधा कृष्ण की कृपा से भक्त बनूंगा, भक्ति से मंगल होगा और उसी में हमारा कल्याण होगा। और भक्ति आत्मा का विषय है, ये शरीर का विषय नहीं है। बड़ी लंबी एक मुसलमान की कहानी है। मुसलमान क्या लिख रहा है भगवान के लिए? आपको पता कितने मुसलमान भक्त थे? रसखान का नाम तो बहुत बड़ा है, रसखान के आदि समाधि है उधर। दो मुसलमानों की बात सुनाने का प्रयास करेंगे, ठाकुर जी का अभिषेक होगा। ये बालपन लिखा है भक्त नजीर ने, बड़ा लंबा 20 मिनट का है ये। इसके दो चार मैं वो सुना देता हूँ आपको और आप सुनिए बड़े ध्यान से, उससे क्या आप भी बोलिए। यारो सुनो जदी के लुटैया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप रेत करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौने चरैया का बालपन, ऐसा का बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ये शब्द देखो कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है एक भक्त की। जाहिर में मैं सुत नंद जसोदा के आप थे, जाहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, पर ना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे, पर दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिने सो वो आप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिने। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। उनको बालपन से न था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उसको रखा मजा, मालिक से बैठे आप ही उन्हें बालपन से क्या, मां बालपन जवानी बूढ़ा पाता बेटा, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ। हरि बोल। बड़ा उन्होंने वर्णन किया है, कुछ कुछ मैं लाइनें आपको सुनाऊंगा। अभी भगवान शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने से पहले भगवान जो है माँ चोरी लीला का वर्णन कर रहे हैं। भक्त नजीर, कर चोरी करते आ गई ग्वाल ने कोई वहां, और उसने आ पकड़ लिया तो उसको बोले वहां, मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियां, खाता नहीं मैं इसको निकाले था चींटियां, ऐसा था बांसुरी के कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। उनको तो देख ग्वाल ने जो जान पा दी थी, घर में इसी बहाने से उनको बुला दी, चाहे मैं वो उनके साथ कुल मचा दी थी, पर देख सभी कृष्ण की बलिहारी जाती थी,
ऐसा था ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। अभी माखन चोर मारे भगवान, एक बार क्या हुआ, बहुत माखन हाथ में लग गया, खूब खाया, सखों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, बंदरों के पेट भर गए, माखन खत्म नहीं हो रहा। बंदरों को जब दे रहे हैं भगवान, बंदर नहीं खा रहे, इतने पेट फट रहे हैं, बंदरों को कितना खाएंगे, पेट में जगह ही नहीं। हमारे सर्वेश्वर श्री कृष्ण माखन चोर भगवान क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से बोलो, माखन चोर भगवान की जय। क्या कहते हैं, ये ग्वालियर इतना बेकार माखन बनाती हैं, इसे बंदर भी नहीं खाते। अभी ग्वालियर जो है आके शिकायत कर रही है, सब मिलत सोदा, सब मिलत सोदा पात जैसी आगे भी, अब तो तुम्हारा काना हुआ है बड़ा शरी, देता है हमको गालियां और फाड़ता है ची, छोड़े दही ना दूध ना मांगन मही ना पी, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। माता जसोदा उनकी बहुत करती नीतियां, वो काना को डराती उठा मन की सीटियां, जब काना जी जसोदा से करते यही बया, तुम सच न मानो मैया ये सारी है झूठियां, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। भगवान की शिकायत हो गई और भगवान कहते हैं, भैया सब झूठ बोल रही है, ये सब फालतू बातें कर रही है, मैं कोई माखन मुखन नहीं चुराया मैंने। अभी शिकायत गोपियों की हो रही है यशोदा मैया से, माता कभी जे मुझको पकड़ कर ले जाती है, गोपियां ले जाती है भगवान को, माता जे कभी मुझको पकड़ कर ले जाती है और गाने अपने साथ मुझे भी गवाती है, सब नाचती है आप मुझे दीन चाहती है, अभी तुम्हारे पास ये फरियाद आती है, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। भगवान कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने साथ ये मुझे गाने गवाती है, खुद नाचती है और मुझे भी नचाती है। हरि बोल, गोपाल जी के पास ले जाओ, और मुझे भी नचाती है, हमने तो मुझे छेड़ जाती है, आप भी मुझे रुलाती है और आप भी मनाती है, मारो पीने के मुझको बहुत सास दाती है, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। माता ने माखन छिपा लिया, ऊंचा यशोदा ने तो बहा मुंह बना दिया, मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया, आन में दिखा दिया और फिर बुला दिया, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ठिकाना नहीं तो नंद जसोदा के घर के माँ, मोहन डबल किशोर की सबके दिल में जा, उनको जो देखता था तो करता था वाहवा, ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
जा जाता हूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। राधा रमन के चारों जय गौरंगे, लड़कों में वो कहा है जो कुछ उनमें गौरंगे, आप ही वो प्रभु नाचते आप ही वो दौड़ते, उनके तो बालपन में देवर कुछ और थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। होता है यूं तो बालपन त्रिफल का भला, पर उनके बालपन में तो कुछ और ही भेद था। इस भेद के बना जो किसी को खबर है क्या, क्या जाने अपनी खेलने आए थे क्या कला। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। आखिर में सबसे कह रहे हैं भक्त, और आपने प्रयास करना है बोलने का, भक्त की बात सुननी चाहिए। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय,